लगातार बढ़ते घुटने की परेशानी का रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन संभव है। उम्र ढलने के साथ घुटने में दर्द की शिकायत आम बात है। पहले के समय में इसकी सर्जरी करवानी बहुत ही मुश्किल काम होता था, परंतु अब नई रोबोटिक तकनीक से 2 मिनट में यह खेल हो गया है। इस विषय पर लगातार मीडिया से बातचीत की हड्डी व जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर निकुंज अग्रवाल ने। अच्छा प्रश्न है ये, और मैं कहना चाहूंगा कि हर घर में ये जोड़ों की समस्या आमतौर पर पाई जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 30-40% लोगों, जो भारत के लोग हैं, उनमें गठिया की परेशानी या जोड़ों की परेशानी होती है। ये सबसे ज्यादा जो परेशानी जो घुटनों में पाई जाती है वो है गठिया रोग, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें घुटने को घिसावट घुसना धीरे धीरे घिसने लगता है और जो हमारी कार्टिलेज की परत होती है वो घिसना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से मरीज को जोड़ों में दर्द और सूजन का अनुभव होता है और उनका धीरे धीरे चलना फिरना और सारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज करने में मुश्किल होने लगती है। सर, इस तरह के रोग को ठीक कैसे किया जाता है और क्या इसमें कोई क्या टेक्नोलॉजी है और लोग कैसे इसको प्रेफर करते हैं? ये जो गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको भांपने का या पता लगाने का सबसे सही जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो एक सिंपल एक्सरे है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके अपना घुटनों का एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें पता लगता है कि घुटनों के बीच का स्पेस कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से पता लगता है कि ये गठिया धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर शुरुआती स्टेज में गठिया है तो कुछ चंद एक्सरसाइजेस या दवाइयों की मदद से ये गठिया का काफी हद तक इलाज करा जा सकता है, लेकिन आखिरी स्टेज में या फिर सिवियर स्टेजेस में आने के बाद हमें घुटनों की सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है। और सर्जरी में भी धीरे धीरे काफी एडवांसमेंट आ गया है, जिसकी वजह से ये घुटने की समस्या को पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। सर, जब बात करें घुटनों की सर्जरी की तो एक रोचक सी मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि रोबोटिक, आजकल सुनने में आ रहा है कि रोबोटिक तकनीक जो है वो बहुत हद तक भारत में अपनी जगह बना चुकी है, तो रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, कि कोई रोबोट्स आते हैं या डॉक्टर का कितना उसमें योगदान होता है, क्योंकि लोगों में ये असमंजस की स्थिति है अभी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी पिछले 2-3 सालों में काफी तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और रोबोटिक सर्जरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है हमारे जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोट की मदद से प्लानिंग करी जाती है उस मरीज के घुटने की, जिससे उसके घुटने का सही आकार का पता लगता है, उसके घुटने के सही अलाइनमेंट का पता लगता है और बैलेंसिंग का पता लगता है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट का सक्सेस होने में। और रोबोटिक प्लानिंग की वजह से अगर सही तरीके से हम प्लान करते हैं, जो कि सर्जन द्वारा करी जाती है और सर्जन द्वारा ही सुपरवाइज करी जाती है, रोबोट बहुत अच्छे से सटीक कट्स लेता है बर की मदद से और बिल्कुल सही कट लेने के बाद सही फिटिंग होती है जो कि सर्जन द्वारा ही सुपरवाइज होती है, तो सारा काम सर्जन ही करता है, लेकिन प्लानिंग में रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद लेता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक उसमें सुधार आ गया है। तो मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है लोगों को, अगर किसी को डर लग रहा है, क्योंकि क्या है ना सर, पुराने जमाने से लोगों में एक असमंजस है कि रोबोट है तो वही एक बड़ा सा कुछ आ रहा है और वो कर रहा है, तो डरने वाली कोई स्थिति नहीं। सबसे पहला चीज मैं सबका ये संदेह दूर करना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट द्वारा नहीं करी जाती, रोबोटिक सर्जरी सर्जन द्वारा ही करी जाती है। आपके अपने सर्जन जिनको काफी अनुभव है, 20-30 साल का अनुभव वाले सर्जन जो नॉर्मल सर्जरी कर सकते हैं, वही रोबोटिक सर्जरी में करने में सक्षम होते हैं, और रोबोट सिर्फ उनकी सर्जरी को करने में एक सहायक होता है, एक तरीके का टूल होता है। जैसे हमारे पास जिग्स आती हैं या पुरानी सर्जरीज में जिस तरीके का सॉ आती है या जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसी तरीके का एक इक्विपमेंट एक रोबोट होता है, लेकिन सारा जो ऑपरेशन है वो सर्जन द्वारा और सर्जन की टीम द्वारा ही करा जाता है। तो इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सेफ है, अपने हमारी नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले और ज्यादा सेफ है। बहुत जल्दी इसमें अपनी रूटीन एक्टिविटीज में आप लोग अपना काम रोजमर्रा की जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी हद तक देखा गया है हमारे रोबोटिक सर्जरीज हमने काफी हद टाइम से कर रहे हैं, तो अगले दिन से ही मरीज बिना वॉकर बिना छड़ी के अपना सारा काम करना शुरू कर देता है, तो काफी तेजी से इसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। मरीज को बिल्कुल नेचुरल फील आती है, ऐसा लगता है कि उनका घुटना अपना ही घुटना है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई नई सर्जरी कर गया या कोई नया घुटना डाला गया है। तो रोबोटिक सर्जरी अपने आप में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, एक नई सक्सेस है, और मेरे ख्याल से ये आगे चल के बहुत लाभदायक होगा सारे घुटनों के मरीजों के लिए। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे कि कितने मरीज रोजाना जो सर्जरी कराते हैं वो कितने आप करते हैं रोजाना? देखिए, हम करीब करीब देखा जाए तो
महीने में 100 से 150 मरीज घुटने के दर्द के देखते हैं, जिसमें करीब करीब 60 से 70% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो काफी लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं और काफी दूर दूर से आते हैं, अपने गांव से आते हैं, जब काफी दिन तक अपने सारे इलाज करा के जब और कुछ काम नहीं कर रहा होता तब वो हमारे पास आते हैं, तो काफी टेढ़े स्टेजेस में काफी घुटने खराब की कंडीशन के बाद हमारे पास आते हैं। और ऐसे कंडीशन में सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान है और सर्जरी से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और मेरे हिसाब से सही समय पे सही इलाज करने पे सबसे ज्यादा सही इसका रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद धन्यवाद सर हमारे।